आज हम उद्धव गोपी प्रसंग इसका जो है दूसरा पद हम लेते हैं। तो यहां पर पहले मैं आपको समझाती हूं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि उद्धव जो थे योग का संदेश लेकर गोपियों के पास गए थे। अब योग क्या होता है, क्या संदेश है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूं कि उद्धव जब गए तो जब गोपियों की उन्होंने मनोदशा देखी तो वो कहने लगे कि अरे किसके लिए तुम अपने अश्रु बहाती हो, किस परमात्मा के लिए तुम अपने अश्रु बहाती हो, परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, तुम तो सिर्फ उसकी आराधना करो। तो यहां तो गोपियां जो थी कृष्ण प्रेम में डूबी हुई थी, वो योग का संदेश तो बिल्कुल उनके सर के ऊपर से जा रहा था। वो उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम्हारा योग हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि हम तो प्रेम रस में डूबे हुए हैं और तुम्हारा योग जो है हमें संदेश देता है कि निराकार ब्रह्म की तुम तो सिर्फ आराधना करो, प्रार्थना करो। तो ये बताओ कि परमात्मा निराकार कैसे हुआ, कृष्ण निराकार कैसे हैं, हमने तो उन्हें देखा है, उनका श्याम वर्ण है, वो हमारे साथ रास रचाया है उन्होंने, हम उन्हें अपने ही हाथों से उन्हें माखन खिलाया है, हम उसके रूप सौंदर्य पर निछावर हो गई है, तो कैसे हम मान ले कि परमात्मा जो है निराकार है, हमने तो उसका आकार देखा है, वह कैसा है हमने तो वो देखा है, और हमने तो पहले ही तुम्हें बता दिया कि तुम तो कृष्ण के साथ रहकर भी बिल्कुल अछूते ही हो, जब तुमने कृष्ण को उस नजर से देखा ही नहीं, कृष्ण से तुमने प्रेम किया ही नहीं, तो तुम प्रेम के संदेश को क्या जानो, तुम प्रेम को क्या जानो, हम तुम्हें प्रेम का संदेश देती है, तुम हमें योग का संदेश देते हो, हम योग का संदेश लेना ही नहीं चाहते और योग हमारी समझ के परे है। तो आइए दूसरे पद में मैं आपको ये उसका अर्थ समझाती हूँ। मन ही मन मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो नहीं परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब ए जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितई ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। देखिए यहाँ शब्दार्थ पर हम आते हैं, फिर उसका प्रसंग और व्याख्या मैं आपको समझाती हूँ। माज मतलब होता है मध्य में, अवधि मतलब लौटने के समय और सीमा, आधार मतलब आधार सहारा, आस मतलब आशा, आवन की मतलब आने की लौटने की, विथा मतलब व्यथा या पीड़ा, सही मतलब सहन की, जोग मतलब योग, बिहरिनी मतलब योगनी बिरह में जलने वाली, बिरह दही, दही मतलब है आग, बिरह की आग में जल रही, बिरह दही मतलब बिरह की आग में जल रही, हुती मतलब थी, गुहारी मतलब पुकार, रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते मतलब जिधर से, उतते मतलब उधर से, धार योग के उपदेश की तेज धार, बही मतलब बह रही, धीर मतलब धीरज धैर्य, मर्यादा मतलब मर्यादा या प्रतिष्ठा, न लही मतलब नहीं रही और नहीं रही रखी। अब संदर्भ तो पूर्वता ही रहेगा, आप मैंने बताया आपको, आप सुनिएगा पुनः उसे। प्रसंग पर हम आते हैं कि कृष्ण के इस पद में कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियां उद्धव के योग के उपदेश को सुनकर दुखी होती है और मन महसूस कर चुप रह जाती है, उनकी वही विवशता इस पद में प्रकट होती है। व्याख्या पर हम आते हैं। श्री कृष्ण से प्रेम का संदेश पाने की आशा में रही गोपियां जब उद्धव ने योग का उपदेश दिया तो वो खिन्न होकर कहने लगती है कि हमारे मन में जो विभिन्न भाव विचार कृष्ण से कहने के लिए थे अब वे हमारे मन में रहे ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने योग का संदेश दिया, कृष्ण योग का संदेश हमारे पास भेज रहे हैं, तो वे हमारे प्रेम की भाषा को कैसे समझेंगे? हे उद्धव, हम अपने मन की बात कहे तो किससे कहें?
तुमसे योग का उपदेश सुनकर तो हमारी बोलती ही बंद हो गई है, अब हमसे कुछ कहते ही नहीं बनता। हम तो श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे शरीर और मन की पीड़ा को सहन कर रही थी, किंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए योग के उपदेशों को सुनकर तो हम बेरानी वियोग की आग में जली जा रही हैं। अर्थात तुम्हारे योग के उपदेश से हमारी विरह की वेदना की जलन और तीव्र हो गई है। अर्थात तुम्हारे योग के उपदेश ने हमारी विरह वेदना की जलन को और अधिक तीव्र कर दिया है। इस कष्ट के समय हम किसको रक्षा के लिए बुलाएं? जिसे पुकारना चाहती थी उसके द्वारा ही योग और ज्ञान का उपदेश की तेज धार बहाई जा रही है, अर्थात योग की धारा प्रवाह उपदेश दिया जा रहा है। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती कि जब जब श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को ही नहीं रखा तो हम किसके सहारे धैर्य धारण करें। वहां कहती है कि जो मर्यादा है वो तो दोनों तरफ से होती है। हमारे प्रेम को अगर श्री कृष्ण समझते तो योग का संदेश ना देते, और तुम उनका योग का संदेश लेकर हमारे पास नहीं आते। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो योग का संदेश यहाँ पर उद्धव के अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रभु ने उद्धव से कहा था कि जाओ तुम योग का संदेश दो। जब उद्धव लौटते हैं मथुरा, तो यहाँ पर मथुरा जब लौटते हैं तो यहाँ उल्टा होता है। कैसे? कि जब वे मथुरा से वृंदावन आए थे तो कृष्ण रो रहे थे और उद्धव हंस रहे थे, लेकिन अब जब मथुरा जाएंगे उद्धव तो यहाँ उल्टा होगा, कृष्ण हंसेंगे और उद्धव रोएंगे। मैं आपको इसके बारे में अगले पद में समझाऊंगी कि उद्धव क्यों रोएंगे और कृष्ण क्यों हंसेंगे।